तो जैसा कि हम अपार्ट फ्रॉम जो तुम्हारा जैसा कि हमारी आदत है कि अपार्ट फ्रॉम फिजिक्स लेक्चर्स हम अपने स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स के थ्रू समाज को समाज के थ्रू बड़े बड़े लोगों को जो लोग पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं उनसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं और जो वही टॉपिक डिस्कस करते हैं बात करते हैं उस पर जो रेलिवेंट है पढ़ाई लिखाई के बारे में, क्योंकि उससे ज्यादा तो हम लोग कर नहीं सकते कुछ, हम लोग तो अयोग्य हैं। अभी पूरे देश में जो है डिस्कस मचा के आए कुछ यूजलेस लोगों ने, और ये स्कीम आया है गवर्नमेंट का अग्निवीर स्कीम, जिसमें जो जहां तक मेरे को आइडिया है जो मिलिट्री जॉब है जो डिफेंस सर्विस है दैट हैज बीन मेड परमानेंट, और सब जो है उबल रहे हैं, सब पगलाए हुए हैं, पूरा देश छटा रहा है, बड़े बड़े लोग जो है बड़ी बातें कह रहे हैं। अबे तुम लोग जो है जो भी ये लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं या जो लोग छटपटा रहे हैं, तुम लोगों के लिए एक बात हम बताएं। आज यहां पर ये एक स्कीम आया तो तुम लोग छटपटा रहे हो, चेन तोड़ रहे हो, राष्ट्रीय जो संपत्ति है जो नेशनल प्रॉपर्टी है जो एसेट्स से उनको नुकसान पहुंचा रहे हो। अब इस समाज में अब इस देश में क्या तुम्हें पता है कि ये स्कीम आज की नहीं बहुत पुरानी है, खास करके जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। स्टूडेंट्स जो है ये वीडियो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए देखना, इसमें तुम्हारे सोचना कभी खाली समय में, क्योंकि यू आर द फ्यूचर ऑफ द नेशंस। स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स एंजॉय दिस वीडियो, ये एंटरटेनमेंट है, जैसे नाच गाना होता है ना, जैसे नाच गाना होता है वैसे ही ये है, ठीक है? डोंट टेक इट सीरियसली, बाकी लोग सीरियसली ले। तो ये जो अभी जिसको तुम ये कह रहे हो ये क्या एक यूजलेस सा नाम है अग्निवीर स्कीम, ये अभी मिलिट्री में आ गया तो तुम छटफटा रहे हो, तुमको पता है ये स्कीम बहुत पुरानी है, बहुत लोग मर रहे हैं इससे। ठीक इसी जैसा स्कीम होता है इक्वल टू दैट इज द गेस्ट फैकल्टी, ये जो है गेस्ट फैकल्टी का स्कीम भी यही स्कीम है। गेस्ट फैकल्टी में क्या होता है, गेस्ट फैकल्टी में क्या होता है, नो परमानेंट जॉब, ये परमानेंट हम लोग नहीं होते हैं, हमारी जॉब जो है वो एक सेशन या दो सेशन के लिए होता है जब तक इनका काम खत्म करना हो, नो सैलरी, नो एक्सपीरियंस, सब नो, ये इतना कुछ हम लोग देखते हैं। आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज पीएचडी कैंडिडेट जो है ये अनएम्प्लॉयड घूमता है, उसके पास कोई पैसा नहीं रहता, कोई काम नहीं रहता उसके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं रहता है। और तुम साले जो फालतू लोग हैं, दुनिया के जितने ट्रैश लोग होते हैं वो फौज में जाते हैं, ठीक है? ये सब जो है टोपी टापा लगाने से कुछ होता नहीं है, ट्रैश जो है ये डिफेंस में जाते हैं, फौजी बनते हैं, दुनिया के जितने ट्रैश होते हैं। कुछ लोगों को खराब लगेगा, आई एम सॉरी, तुम हमारी जगह रहते तुम यही बात कहते हैं। जितने ट्रैश लोग होते हैं, कूड़ा लोग होते हैं, ये डिफेंस में जाते हैं। क्या तुम्हारे तुम्हारा जो है क्वालिफिकेशन है, आधा किलो चना खा के खेत दौड़ करके? ये वो लोग जाते हैं मिलिट्री में जिनको आगे पढ़ना नहीं होता, जिनको जिंदगी में जिनसे कुछ नहीं होता, उनको ये दो ही काम आता है, लड़ना और मरना, फाइट, गन, डेथ, इन सब चीजों से जिसको लगाव होता है वो जाते हैं डिफेंस में। क्या एजुकेशन होता है उनका?
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो ग्रेजुएट भी नहीं होगा ढंग से। यहाँ पे हम लोग गेस्ट फैकल्टी जो है वो पीएचडी होता है, कई लोग भी तो हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री है, उसके बाद क्या होता है। हम लोगों के साथ ये सदियों से हो रहा है। तो ये जो गेस्ट फैकल्टी स्कीम है, गेस्ट फैकल्टी स्कीम, दिस इज इक्वल टू, ये जो नया स्कीम दिया है इन्होंने स्कीम, ये एडुकेशन में होता है, अब डिफेंस में हो रहा है, क्योंकि डिफेंस में जो है जितने अयोग्य लोग भरे पड़े हैं तो वहां पे भीड़ ज्यादा है, तो छटपटा रहे। इतना दिन जब हम लोगों ने भी काफी स्ट्रगल किया सैलरी के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, किसी को नजर नहीं आया, किसी को नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि एडुकेशन है, एडुकेशन हो चाहे ना हो, फौजी बनना चाहिए। आधा किलो चना खा करके खेत के खेत दौड़ना, जितने कूड़ा करकट होते हैं वो इसमें जाते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, जिनको जो स्ट्रगल चलता है, वो बच्चा क्या करता है पता है? रियल स्टूडेंट्स क्या करता है पता है? नहीं पता तुम लोगों? रियल स्टूडेंट्स वो लोग पढ़ते हैं, वो जो जेन्युइन संघर्ष है वो करते हैं, वो नीट की तैयारी करते हैं, वो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, साइंस के फील्ड में आते हैं, बीएससी, बीए, एमए, ये सारा ये सब करते हैं। साधारण घर का जो लड़का है यूपीएससी करता है, आईपीएस बनता है, ये भी उसी फील्ड में आता है। इसके लिए पढ़ना पड़ता है, इसके लिए जो बहुत क्वालिफिकेशन रखना पड़ता है। दरोगा तक बनने के लिए पीसीएस क्वालिफाई करना होता है, उसका एग्जाम होता है, बहुत लड़के एग्जाम देते हैं। जो रियल स्ट्रगल करते हैं ये बच्चे करते हैं। तुम लोगों को कौन सा स्ट्रगल करना है? अग्निवीर, यूजलेस, कूड़ा, 5 किलो चना खा के सुअर की तरह दौड़ जाओ, हो गया, क्वालिफाई हो गए, पाठ पुर्जा ठीक होना चाहिए, ऊपर से नीचे का बीच का पाठ पुर्जा ठीक होना चाहिए। और हम अग्निवीर जो है, एडुकेशन के अग्निवीर करके आए, ये जो गेस्ट फैकल्टी है ये एडुकेशन का अग्निवीर है। ये क्या कर रहा है, इसके पास क्या क्या है? देखो, एडुकेशन का, या इसको ऐसे लिखे, अग्निवीर ऑफ एडुकेशन क्या कर रहा है, क्या है उसके पास? अग्निवीर ऑफ एडुकेशन, इसके पास क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिग्री, सब पीएचडी किए हुए होते हैं, एटलीस्ट एमएससी तो होते ही है, एमटेक होते ही है। नो एम्प्लॉयमेंट, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होता उनके पास। तुमको सालो 11 लाख रुपया मिलेगा, 11 लाख जब सुनने में आया, हो सकता है इससे ज्यादा हो। एडुकेशन के अग्निवीर के पास क्या है? लेस देन 1 लाख, 1 लाख भी उसके पास नहीं है। 35, 36 एज, 22 साल के बाद जो है तुम कर सकते हो। करोगे क्या? यही सब कूड़ा करकट काम करोगे, चौकीदारी वगैरह कर लेना? हम लोग तो भी नहीं कर सकते। तो आज जो है सब लोग भटक रहे हैं, सब लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं, फौजी फौजी, फौज का सम्मान, देश का सम्मान करके ही तो इस गवर्नमेंट को लाए थे। मुझे पता है बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ये वीडियो, ना लगे, लेकिन ये फैक्ट है। हमने कहा है ना, दवा जैसा होता है, दवा खाने में कड़वा लगता है, लेकिन शायद वो कभी आज नहीं तो कल कभी काम करे। अग्निवीर ऑफ एडुकेशन के पास सिर्फ जिम्मेदारियां है, घर चलाना है, परिवार चलाना है, ऊपर से सुनना है लोगों का। ये दिन 1 लाख रुपए भी नहीं कमा पाए, क्वेश्चंस, टॉन्ट्स, टॉन्ट माने होता है तना, क्या किए इतना दिन, इतना पढ़ के पीएचडी देके किए क्या? 1 लाख रुपया भी नहीं कमा पाए, परमानेंट नौकरी नहीं हो पाई। तुमको 4 साल में जो है 11 लाख रुपए मिल रहे हैं फॉर नो यूज, क्योंकि तुम उसके लायक ही नहीं। फिर भी जो है हम देश की रक्षा करूंगा, देश की रक्षा करने वाले देश का संपत्ति नहीं जलाते। और तुम लोगों पे तो बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि तुम लोग टोपी वाले नहीं हो,
हमारे थे, हमने देखा क्या दुर्गति हुई। तो एजुकेशन के अग्निवीर ये हैं, हम लोग आज बैठे हैं खाली। जिस संस्था के लिए 5 साल दिया उस संस्था ने निकाल दिया, तुम्हें भी निकाला जाएगा, तुम्हें पैसा दिया जा रहा है निकलने के लिए, हमें तो वो भी नहीं मिला। जितनी योग्यता है उतना तुम्हें मिल रहा है, उससे ज्यादा मिल रहा है, इसके आगे के लायक तुम लोग नहीं हो। तो इसलिए जो है ट्रेन जलाना, रोड ब्लॉक करना, सर फोड़ना बंद करो, बहुत मिल रहा है। और फौज देशभक्ति करके इसी इन्हीं को तो इनको तो तुम ही लाए हो। अब भुगतो, सब ठेके पे चलेगा, जाके अंबानी और अडानी के दरवाजे पे गार्ड बन जाओगे 22 साल के बाद, गोदाम बचाना उनका। फौज के बारे में सब सोचते हैं, एडुकेशन में जो लोग मर रहे हैं, एकेडमिक्स में जो लोग मर रहे हैं, उनके बारे में कोई सोचता है? कोई? इसीलिए ये इस तरह से बात करके हमको ये वीडियो बनाना पड़ा। नोबॉडी थिंक्स अबाउट हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, बच्चों को पढ़ाते हैं, हम ट्रेन नहीं जला सकते, क्यों जलाए? इसके बारे में कोई नहीं सोचता। कुछ नहीं है आज हम लोगों के पास, तुम्हारे पास 11 लाख रुपए होंगे, बंदूक चलाना आ जाएगा, क्रिमिनल बनना, क्योंकि बंदूक चलाने के लिए में जाते हैं सब। हम लोगों को तो वो भी नहीं आता, हम लोग कलम चला सकते, कलम की क्या कीमत है, कौन पढ़ता है आजकल? तो बहुत लोगों को खराब लगेगा, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सोचे, वो असली स्ट्रगलर्स हैं, वो असली लड़ाई लड़ रहे हैं। एक साधारण घर का लड़का बाहर घर से दूर रह करके जब पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, वो है असली स्ट्रगलर, उसको करना पड़ता है स्ट्रगल। एग्जाम देना है, एज लिमिट है, एज लिमिट तो यहां भी होता है, लेकिन यहां पे कौन सा एग्जाम देना होता है, दौड़ जाओ 20 किलोमीटर, और तो कुछ आता नहीं है तुम लोगों को। बीएससी का, जो बच्चे बीएससी करते हैं, बीएससी के बाद कुछ करना है, एमएससी करना है, इतना पढ़ाई का लोड होता है, वो है असली स्ट्रगलर।